पीएसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, आप प्लीज इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। दोस्तों पीएसएल कंपनी ने अपना फाइनल ऑफर पेश कर दिया है। जी हां दोस्तों, सेबी ने अभी प्रेस रिलीज कर यह जानकारी दी है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों आपको यह ऑफर लेटर दिख रहा होगा, यह पीएसएल कंपनी का ऑफर लेटर है। आपको मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइनल प्रपोजल पीएसएल प्रॉपर्टीज, वी हैव परस्यू द इनविटेशन फॉर काउंटर प्रपोजल इन द फर्दरेंस ऑफ रिवाइज्ड प्रपोजल डेटेड 3 जुलाई 2018 सबमिटेड बाय पीएसएल एंड पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी। और दोस्तों सेकेंड लाइन में ये लिखा है वी आर सबमिटेड आवर फाइनल प्रपोजल टू फैसिलिटेट सेल ऑफ आवर प्रॉपर्टीज टू एन अमाउंट ऑफ ₹28,000 करोड़ पेबल इन फॉलोइंग मैनर। दोस्तों पीएसएल कंपनी ने अब ये ऑफर दिया है कि वह 28,000 करोड़ रुपए टोटल लौटाएगी। दोस्तों किस तरह से वो पैसे लौटाएगी देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहले साल 7,000 करोड़, फिर दूसरे साल 8,000 करोड़, तीसरे साल भी 8,000 करोड़, चौथे साल 3,000 करोड़ और पांचवे साल 2,000 करोड़। तो दोस्तों फिलहाल सेबी ने अभी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। दोस्तों 25 जुलाई को सेबी के ऑफिस में इसका डिस्कशन होगा और 25 जुलाई को ही फैसला लिया जाएगा कि सेबी पीएसएल का ऑफर ये एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो दोस्तों ये अभी अभी खबर आई थी, तुरंत मैंने आपको बता दी और बाकी जानकारी आपको विस्तार से आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने सभी पीएसएल निवेशकों के साथ दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। तो गुड बाय दोस्तों।